हमारे चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम जो है बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, जो कि यूनिट फर्स्ट का जो है टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में। तो सबसे पहले जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बारे में हम एक एक करके जो है इनके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो दो भागों में जो है बढ़ता है मेनली, एक तो होते हैं ट्रू बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं स्यूडो या फिर फॉल्स बैक्टीरिया। इसके बाद में जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी शेप जो है वो बैक्टीरिया की जैसी, ट्रू मतलब होते हैं बैक्टीरिया, और जो स्यूडो या फिर फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो है शेप और बैक्टीरिया से नहीं मिलती है, लेकिन उनके जो फंक्शंस वगैरह सब होते हैं वो बैक्टीरिया से मिलते हैं, इसलिए उनको फॉल्स या फिर स्यूडो बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद में जो ट्रू बैक्टीरिया है वो दो भागों में जो है बढ़ जाता है, दो तरह का होता है, एक तो होता है स्फेरिकल और दूसरा होता है रॉड। अब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी बिल्कुल सर्कुलर जो है वो शेप होती है, सर्कुलर या फिर ओवल शेप होती है, वो जो है वो स्फेरिकल या फिर कॉकस या फिर कॉकाई जो है वो ग्रुप में जो है रखे जाते हैं, और दूसरे होते हैं रॉड शेप के जिन्हें हम बैसिलस बोलते हैं। उसके बाद में फर्दर ये भी जो है वो बटे हुए होते हैं, क्लासीफाई होते हैं। तो सबसे पहले जो कॉकाई होता है, कॉकाई होते हैं वो जो है 6 तरह के होते हैं, और बैसिलस जो होते हैं वो भी 6 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो मोनो जो कॉकाई है उसमें फर्स्ट होता है मोनोकॉकस, फिर होता है डिप्लो कॉकाई, टेट्राड कॉकाई, स्ट्रेप्टो कॉकाई, सार्सिनो कॉकाई और स्टेफाइलो कॉकाई, और दूसरा बैसिलस जो है वो भी 6 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, टेट्राबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, सार्सिनोबैसिलस और स्टेफाइलोबैसिलस। तो ये जो है हम इनके बारे में एक करके जो है पढ़ेंगे कि इनकी शेप हो क्या होती है और इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। और दूसरे अगर हम फॉल्स बैक्टीरिया की बात करें तो वो जो है 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिनोमाइसिटिस, दूसरा होता है स्पाइरोचीट्स, तीसरा होता है माइकोप्लाज्मा, चौथा होता है रिकेट्सिया और फिफ्थ होता है क्लमाइडिया। तो इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और गाइस इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस अब हम जो है फर्स्ट ट्रू बैक्टीरिया के बारे में अगर बात करें तो ट्रू बैक्टीरिया जो है ये रियल बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो शेप होती है वो बैक्टीरिया से मिलती हुई होती है शेप, और उसके बाद में ये जो है वो क्लासिफाई होते हैं एक तो कॉकाई में और दूसरा बैसिलस में। तो फर्स्ट हम जो है कॉकाई या फिर कॉकस के बारे में बात करें जो कि स्फेरिकल होते हैं शेप में या फिर ओवल शेप के होते हैं। तो ये जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 6 टाइप्स के अंदर। तो फर्स्ट होता है मोनोकॉकस। मोनोकॉकस में क्या होता है, सिर्फ एक ही जो है वो कॉकस होता है या कॉकाई होता है, सिंगल होता है और ऐसी शेप में जो है वो होता है। सेकेंड अगर हम डिप्लोकॉकस की बात करें तो नेम से ही पता चल रहा है कि दो होते हैं इसमें, पेयर में जो है कॉकाई होते हैं तो ऐसे जो है पेयर में वो प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा होता है टेट्राड कॉकस जो कि 4 जो है वो दर्शाता है, टेट्रा मतलब 4, तो ये 4 के जो है ग्रुप में रहते हैं इस तरीके से। उसके बाद में हम फोर्थ की बात करें स्ट्रेप्टोकॉकस, तो स्ट्रेप्टोकॉकस जो है इसमें क्या होता है जो कॉकाई होते हैं वो चेन की फॉर्म में जो है वो होते हैं इस तरीके से। उसके बाद में होता है सार्सिनोकॉकस, तो सार्सिनोकॉकस जो है उसके अंदर क्या होता है जो कॉकाई होते हैं वो क्यूब जैसी स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और टोटल 8 होते हैं ये, इस तरीके से जो है वो अरेंज होते हैं और क्यूब की फॉर्म में अरेंज होते हैं। उसके बाद में आता है स्टेफाइलोकॉकस। स्टेफाइलोकॉकस में क्या होता है कि ये जो कॉकाई होते हैं वो ग्रेप जैसी क्लस्टर की जो है फॉर्म में होते हैं और इरेग्युलर फॉर्म में होते हैं जुड़े हुए, तो ये जो है वो ऐसे ग्रेप्स की फॉर्म में जो है जुड़े हुए होते हैं। सो गाइस अब हम जो है अगर बैसिलस की बात करें तो ये भी जो है वो ट्रू बैक्टीरिया का ही एक जो है वो क्लासिफाई पार्ट है। तो जो बैसिलस है वो रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है और वो भी जो है फर्दर क्लासिफाई होता है कॉकाइज को, जैसे हमने क्लासिफाई किया था उसी तरीके से ये भी जो है वो क्लासिफाई होता है 6 टाइप्स में। तो फर्स्ट जो मोनोबैसिलस है इसका, मोनोबैसिलस का मतलब सिर्फ इसमें एक ही जो है वो बैसिलाई होता है इस तरीके से रॉड शेप्ड का। और उसके बाद में अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें डिप्लो बैसिलस, इसके अंदर जो बैसिलाई होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, वो इनका अरेंजमेंट ऐसे भी जो है वो हो सकता है और इनका अरेंजमेंट ऐसे भी जो है वो हो सकता है। उसके बाद में है टेट्राड बैसिलस। अब टेट्राड बैसिलस जो होता है ये 4 जो है वो जुड़े हुए होते हैं, 4 के ग्रुप में होते हैं, तो ये जो है वो इस तरीके से भी जुड़ सकता है लाइन फॉर्म में और ये इस तरीके से भी जो है वो जुड़े हुए हो सकते हैं।
उसके बाद में टाइप है स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या होता है, जो बैसिलाई होते हैं वो चेन की फॉर्म में जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरीके से चेन जो है वो बनाते हैं। उसके बाद में जो है सार्सिनोबैसिलस, सार्सिनोबैसिलस में क्या होता है कि जो बैसिलस होते हैं वो 8 होते हैं नंबर में, और वो क्यूब जैसी जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यूब की फॉर्म में जो है वो जुड़े हुए होते हैं एक साथ एक दूसरे से। उसके बाद में है स्टेफलोबैसिलस, स्टेफलोबैसिलस जो है उसके अंदर क्या होता है, ये जो है वो क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में होते हैं ग्रेप्स के जैसे, तो ये इस तरीके से जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो गाइस, अब जो ट्रू बैक्टीरिया जो है वो हमने पढ़ लिया, तो अब जो सेकंड उसकी क्लासिफिकेशन है वो थी फॉल्स बैक्टीरिया या फिर स्यूडो बैक्टीरिया। तो ये जो है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो शेप होती है इन बैक्टीरिया की, वो जो है वो बैक्टीरिया की जैसी नहीं होती है, डिफरेंट शेप होती है, लेकिन ये जो है वो बैक्टीरिया ही होता है। तो ये जो है वो इसलिए इनको हम फॉल्स बैक्टीरिया या फिर स्यूडो बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जो है फर्दर क्लासीफाई होते हैं 5 टाइप्स में। तो फर्स्ट हम जो है वो पढ़ते हैं टाइप, वो है एक्टिनोमाइसिटीज। तो जो एक्टिनोमाइसिटीज जो होती है वो जो है डिराइव होते हैं एक्टिन मतलब रे और माइसिस का मतलब होता है फंगस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ऐसे रिजिड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और ट्रू बैक्टीरिया के जैसे होते हैं, और ये जो है वो हमें फंजाई की तरह जो है रिजेंबल होते हैं, इसलिए इसका माइसिस जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है माइसिटीज की तरह। इसके बाद में ये जो है ये ब्रांच की फॉर्म में रहते हैं, ऐसे ब्रांचिंग की फॉर्म में रहते हैं और फॉर्म करते हैं ये फिलामेंट्स, तो इसलिए। और ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो है वो मोस्टली जो सॉइल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था पूरा एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में कि ये जो है वो फंजाई की तरह हमें रिजेंबल रखते हैं, और ये ट्रू बैक्टीरिया की तरह जैसे होते हैं, और ये जो है वो हमें फंजाई की तरह दिखते हैं और ब्रांचिंग की फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद में है स्पायरोचीट्स। जो स्पायरोचीट्स होते हैं ये जो है वो रिलेटिवली लंबे होते हैं, और ये स्लेंडर होते हैं, और ये ब्रांच नहीं होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज की तरह, और ये स्पाइरल शेप में रहते हैं। उसके बाद में है कि ये जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो है वो डबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में हमें जो है वो मिलते हैं, और दो तरीके से जो है ये हो सकते हैं, एक तो होता है रॉड शेप की तरह हो सकते हैं, और दूसरा स्फेरिकल शेप में जो है वो हो सकते हैं, लेकिन ये जो है वो इसमें डबल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, इसलिए ये जो है वो स्पायरोचीट्स में आते हैं। तो इस तरह की जो है वो इनकी स्ट्रक्चर होती है, जो भी स्फेरिकल या फिर कॉपर शेप में होते हैं तो ये इस तरीके से जो है वो अरेंज होते हैं डबल मेम्ब्रेन में, और जब वो रॉड शेप में होते हैं तो वो इस तरह से जो है वो अरेंज होते हैं, और ये जो है वो स्पाइरल शेप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद में इनकी जो लेंथ होती है वो 300 से 500 माइक्रोन्स तक की जो है इनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। ये जो है वो कॉकस या फिर बैसिलस होने चाहिए, या फिर डबल मेम्ब्रेन के तो ये होते ही हैं। उसके बाद में है माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये ओवल शेप के जो है हमें मिलते हैं, और ये जो है रिजिड सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती है, मतलब इनमें जो है सेल वॉल होती नहीं है, और ये जो है वो कम डेवलप्ड होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड ये नहीं होते हैं। इसके बाद में ये जो है हमें वायरस की तरह जो है वो दिखते हैं, रिजेंबल करते हैं। उसके बाद में ये इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी इसमें पूरी तरह से जो है डेवलप्ड नहीं होती है, और इसमें जो है कुछ ऑर्गेनल्स और डीएनए जो है फिर भी प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ मात्रा में। उसके बाद में है कि ये जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है बीमारियां पैदा करते हैं, डिजीज करते हैं। सो गाइस, ये था पूरा माइकोप्लाज्म, स्पायरोचीट्स और एक्टिनोमाइसिटीज के ऊपर। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट स्यूडो बैक्टीरिया फिर फॉल्स बैक्टीरिया है रिकेट्सी। तो रिकेट्सी जो है वो जनरली ये जो है वो हमें फिलामेंट की तरह दिखते हैं, लेकिन ये जो है कोई भी तरह के ब्रांच फॉर्म में नहीं रहते हैं, और ना ही ये चेन फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हमें ये जो है फिलामेंट्स की तरह दिखते हैं। उसके बाद में ये जो है वो बिल्कुल भी मोटाइल नहीं होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है। उसके बाद में ये जो है वो जनरली बेसिकली जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.1 से लेके 0.4 तक, 4 माइक्रोन तक के बीच में। उसके बाद में हम देखें क्लैमाइडिया, ये जो है वो लास्ट तरह का जो है स्यूडो बैक्टीरिया होता है क्लैमाइडिया, ये जो है वो ओवल शेप्ड का हमें मिलता है, और इसके अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन और प्रोटीन ये दोनों जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
और ये जो है वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डिजीज करता है ह्यूमन की जो आईज होती है, जो आंखें होती है ह्यूमंस की, उनके अंदर जनरली ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। सो गाइज, ये थी पूरी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि शेप के ऊपर बेसिस जो है हमने क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज।